जय माँ काली, जय माँ विंध्यवासिनी। आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स? ठीक है, आशा करती हूँ कि आप लोग सब सही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आपकी स्वाति एस्ट्रोलॉजर। मैं आज आपको वृषभ राशि के बारे में बताऊंगी। इसमें मूंगा चलता है, मूंगा स्टोन पहना जाता है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप मूंगा धारण कर सकते हैं। इसे गोल्ड में धारण किया जाता है। और अपनी राशि को बता ना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी राशि को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो मैं आपको इसके सारे महा उपाय और सारे टोटके बताऊंगी। आपने क्या करना है, फर्स्ट टोटका है कि मीठी तंदूर की रोटी को बनाकर गरीबों में खिलानी है, गरीबों को। उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, पुण्य प्राप्त होगा, आपके सारे ज़िंदगी के जितने भी कष्ट होंगे वो सारे दूर हो जाएंगे, आर्थिक परेशानियाँ दूर होंगी। और आपने पीपल और कीकड़ के पेड़ को, वृक्ष को बिल्कुल भी नहीं काटना। आपके इस साल बहुत आपको परेशानी होगी, तो आप में इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जैसे छत पे हो जाता है या कहीं पे भी पीपल का पेड़ अगर उग जाता है अपने आप से, तो आपने उसे नष्ट नहीं करना, काट के फेंकना नहीं है, वो आपके लिए दुखदायक बनेगा। तीसरा उपाय बताती हूँ फ्रेंड्स, आपने तंदूर की रोटी को नहीं खाना, आपके लिए इस साल बहुत नुकसानदायक होगा। वृषभ राशि में मैं आपको सारे उपाय और टोटके बता रही हूँ, इसलिए इन चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से सुने और अच्छे से फॉलो करें। किसी भी से भी मुफ्त में माल नहीं लेना, कोई भी खाने पीने की चीज़ आपने मुफ्त में नहीं लेनी, कोई भी चीज़ आपने मुफ्त में गिफ्ट नहीं लेने, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और आपकी कुंडली के अनुसार भाभी की सेवा अच्छे से करनी है, भाभी का कहना मानना है और बड़े भाई की उल्लंघना, उनकी बातों का नहीं करना, उनका कहना मानना है, क्योंकि आपकी राशि में भाभी और भाई का अधिक रोल रहेगा, ये आपके लिए शुभदायक होंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है और लाल रुमाल का आपने प्रयोग करना है। अपने पास एक लाल रुमाल जरूर रखें या लाल एक धागा या लाल कपड़े को यूज़ कर सकते हैं आप। और आपने मृग और हिरण को पाल सकते हैं, अगर कोई पशु पक्षी अगर पालते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और आपने दूध, जैसे दूध उबलने के लिए रख देते हैं तो दूध बाहर की तरफ नहीं गिरना चाहिए और जलना नहीं चाहिए, वो आपके लिए दुखदायक बनेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। अलग अलग मिट्टी के बर्तनों में शहद और सिंदूर घर में स्थापित कर सकते हैं। कहीं पर भी आप जो सिंदूरी जो हनुमान जी को चढ़ता है वो सिंदूर और शहद को मिक्स करके आप कच्ची की मिट्टी में रख के घर में रख सकते हैं। इससे आपका वास्तु दोष बिल्कुल भी नहीं रहेगा घर में और आपकी आर्थिक परेशानियां ठीक हो जाएंगी। तो आपने इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। और प्रातःकाल आपने शहद का सेवन ज़रूर करना है, आपके लिए इस साल बहुत फ़ायदेमंद रहेगा वृषभ राशि के लिए। और मंगलवार का आप उपवास भी रख सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी को सिंदूरी चोला जरूर चढ़ाना है, आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। और शहद और सिंदूर और मसूर की दाल को नदी में प्रभावित कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद रहेगा। बड़ों की सेवा करें अच्छे से, आप बड़ों का आदर करें, सम्मान करें, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप उनकी बात ज़रूर माने, घर से निकलने से पहले अगर कोई कुछ कहता है तो उस बात को ध्यान में जरूर रखें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और शुद्ध चांदी का जो पात्र होता है उसमें ही भोजन करें, आपके लिए वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा होगा। उसमें आपके राहु और केतु और शनिदेव की जो परेशानियां हैं वो चीज़ें दूर होंगी, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और घर में लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी लाल रंग की चादर डालें या कोई भी लाल रंग का पर्दा लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लाल रंग के हिसाब से आपने घर का डेकोरेट करना है तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। गुड़ और चीनी और खांड आपने चींटियों को जरूर डालनी है, हर मंगलवार शनिवार आपने इन चीज़ों का तो जरूर ध्यान रखना है, और आप कभी भी डाल सकते हैं लेकिन मंगलवार शनिवार जरूर डालें। और धार्मिक स्थल पर जाकर बूंदी और लड्डू का प्रसाद जरूर चढ़ाएँ हनुमान जी के मंदिर में जाके, और आपने हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं और हनुमान बाण भी कर सकते हैं। इन चीज़ों का वृषभ राशि में बहुत महत्व है और बहुत मैंने आपको उपाय भी बताए फ्रेंड्स और टोटके भी बताएं। और मेरे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस राशि में जो स्टोन चलता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आप मूंगा धारण कर सकते हैं, मेटल में भी और आप तांबे में भी और गोल्ड में भी, सर्वश्रेष्ठ होता है गोल्ड। और
माँ की असीम कृपा आप लोगों पे अच्छे से बनाई रखे माँ, और आपकी सारी मनोकामना पूरी हो। इन टोटकों को जरूर करना, इन और जो उपाय मैंने महा उपाय बताए हैं वो वृश्चिक राशि के लिए 100% काम करेंगे। पहले आजमाए जाते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद आप तक आते हैं, तो इन चीज़ों का अच्छे से फॉलो करें। और जिनकी शादी ना हो रही हो, जिनको नौकरी ना मिल रही हो, ये सारी चीज़ें आपकी पूरी होंगी। जिनकी सरकारी जॉब ना लग रही हो, वो आपकी चीज़ें ये ठीक करेगी। और आर्थिक परेशानियाँ आपकी, घर की सारी दुख दलिद्र सब कुछ दूर करेगी माँ। और आपने ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्या क्या उपाय और कैसे कैसे करना है, और जो मैंने जैसे बताया आपने बिल्कुल ठीक वैसे ही करना है। और मेरे इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी कुंडली को लेके और किसी भी राशि को लेके, और आपके हर सवालों के जवाब मिलेंगे फ्रेंड्स। और कुंडली भी सर्च करी जाती है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं कर रखा वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे फिर मैं नई एक वीडियो के साथ आती हूँ धनु राशि में। धन्यवाद फ्रेंड्स।